29 दिसंबर हमारा पिछले 24 घंटा में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में व सभी जिला में सूखा और ड्राई वेदर ही था, और शैलो टू मॉडरेट फॉग कुछ कुछ जगह में खुर्दा व मयूरभंज कोरापुट मलकानगिरी जिला में हुआ है। मिनिमम टेम्परेचर जो था, मिनिमम टेम्परेचर इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट्स में 1 to 2 degrees स्वाभाविक से कम था, बिलो नॉर्मल था। कोस्टल में लगभग नॉर्मल ही था। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व हुआ है फुलवानी 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड। भुवनेश्वर सिटी में हमारा टेम्परेचर 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो स्वाभाविक है। अभी हमारा अगला 5 दिन के लिए जो फोरकास्ट है, इसमें जैसा पहले से ही कहा गया था, उसमें हमारा नेक्स्ट 24 आवर्स में अगला 5 दिन में ड्राई वेदर ही रहेगा, और नेक्स्ट 24 आवर्स में शैलो टू मॉडरेट फॉग कुछ कुछ जगह में हो सकता है। खुर्दा, नयगढ़, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कालाहंडी, सब जिला का अंदर में। और 24 आवर्स तक अभी टेम्परेचर ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा। 24 आवर्स के बाद मीन्स 31st मॉर्निंग से ही टेम्परेचर 3 to 4 degree इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्स में जिला में, और 1 or 2 degree कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में, 2 to 3 degree कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में कम होने का चांसेस है। तो न्यू ईयर में हमारा स्वाभाविक से टेम्परेचर कम रहने का चांसेस है। इंटीरियर उड़ीसा कुछ जिला में एक दो जगह में कोल्ड वेव कंडीशंस भी होने का चांसेस है। मेनली हमारा झारसुगुड़ा, ओंगोल, सुंदरगढ़, देवगढ़, बौद्ध, कंधमाल, ये सब जिला के अंदर में एक दो जगह में कोल्ड वेव कंडीशंस का पॉसिबिलिटी है हमारा इसमें। वो आपका डे टू मीन्स 31st, 1st and 2nd, इस समय उस समय होने का चांसेस है। उसके बाद फिर हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करने का चांसेस है। और भुवनेश्वर सिटी में अभी टेम्परेचर कल सुबह मिस्ट व शैलो फॉग होने का चांसेस है, और फिर उसके बाद मेनली क्लियर स्काई ही रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर कल 15 का आसपास रहने का ही चांसेस है। उसके बाद फिर परसों से थोड़ा फॉल दे, 1-2 degree फॉल करने का चांसेस है।